नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। क्राइम की खबरों में सबसे पहले बात आगरा में हुए बैंक मैनेजर के मर्डर की करते हैं। रिपोर्ट देखिए। कढ़ी चावल और 16 रोटियां, मर्डर मिस्ट्री का किचन कनेक्शन। तो बीवी ही निकली बैंक मैनेजर की कातिल। एक सुसाइड थ्योरी जिसमें कत्ल का कोई निशान, कोई सुराग, कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। पुलिस ये तय नहीं कर पा रही थी कि सच में सुसाइड है या मर्डर। उस केस को किचन में बनी 16 रोटियां और कढ़ी चावल की थ्योरी से सुलझा लिया गया। बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की हत्या में कई नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले सचिन की आत्महत्या बताया गया, लेकिन पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसमें हत्या साबित हुई थी, जिसके बाद से पुलिस की शक की सुई सचिन के परिवारजनों पर गई। लेकिन सचिन परिवार से अलग रहता था, अपनी पत्नी के साथ रहता था, तो पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की। पत्नी बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गई। आगरा के सचिन उपाध्याय हत्याकांड में रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सचिन की पत्नी, जो कि हत्या की मास्टरमाइंड है, वो अभी तक फरार है। पता चला है कि पति को मारने के बाद वो आराम से घर पर रही। उसने कामवाली से कढ़ी चावल और रोटियां भी बनवाई ताकि किसी को शक न हो कि उस घर में एक मर्डर हुआ है, जबकि पति की लाश घर के ही एक कमरे में छिपा रखी थी। एक व्यक्ति का अपने ही घर में शव मिला था और पुलिस को सूचना थोड़ी देरी से दी गई थी, और पोस्टमार्टम के दौरान जो साक्ष्य आए, पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ में स्ट्रैंगुलेशन आया और बाकी भी जो सरकमस्टेंशियल एविडेंस थे वो हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। करीब 12 दिन पहले 12 अक्टूबर वक्त शाम 5 बजे आगरा पुलिस को फोन पर खबर मिली कि बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि मौत की वजह सुसाइड नहीं, ये केस तो मर्डर का है, लिहाजा कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि सचिन को गला घोट कर मारा गया और हत्या से पहले उन्हें गर्म प्रेस से भी जलाया गया था। लिहाजा अब सवाल था कि कातिल कौन है। विवेचना की गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तो मृतक का साला घटना, यानी जो टाइम ऑफ डेथ है उसी टाइम के अराउंड मृतक के घर पर आता है 15-20 मिनट के लिए और फिर चला जाता है। उस घर में दो व्यक्ति थे, जो हमारी थ्योरी घटना के समय की, मृतक की पत्नी और मृतक का साला। ये दोनों हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों का रोल निकल के सामने आ रहा है। मृतक के साले को पुलिस ने सरकमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार कर। पुलिस जांच में जल्द ही यह सुराग मिले कि हो न हो पत्नी प्रियंका ही इस मर्डर के पीछे की सूत्रधार है। जांच आगे बढ़ी तो एक एक कर राज खुलने लगे। प्रियंका शुरू से ही बड़े ही शातिर अंदाज में सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी। पहले तो कामवाली को गुमराह करने के लिए पति के हिस्से का खाना भी बनवाती रही, फिर प्रियंका ने उसी रोज अपने पड़ोसी से 2 बार मोबाइल मांगा और अपने पिता से बात की, यानी सीडीआर में सस्पेक्टेड रिकॉर्ड ना मिले इसकी भी पूरी तैयारी थी। हत्या आरोपी प्रियंका के पिता विजेंद्र रावत कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सचिन के परिवार का आरोप है कि इसलिए पुलिस ने कार्रवाई में देरी की। फिलहाल पुलिस ने इस केस में आरोपी पत्नी, उसके भाई और ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें बैंक मैनेजर के साले और ससुर को जेल भेज दिया है, जबकि पत्नी प्रियंका अब भी फरार है। पहले जो सूचना दी गई थी वो आत्महत्या की दी गई थी, मगर वो पोस्टमार्टम के जो फैक्ट्स थे उसे कोरोबरेट नहीं हो रहा। मृतक की पत्नी, जो कि घटना के बाद से लगातार एडमिट थी, उसको 160 CRPC का नोटिस एविडेंस में बयान कराने के लिए दिया गया, परंतु वो अभी तक हाजिर नहीं हुई है। हमारी टीमें लगातार इस पे काम कर रही हैं और बहुत जल्दी हम इसको।
हैरानी की बात यह भी रही कि बैंक मैनेजर सचिन की लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद भी हत्या का केस दर्ज होने में पूरे 4 दिन लग गए और इतना मौका हत्या आरोपी पत्नी के बच निकलने के लिए काफी साबित हुआ। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक सचिन के शरीर पर चोट के और जलने के निशान थे, कुछ निशान गले पर भी थे। हत्या 11 अक्टूबर को की गई थी, लेकिन पुलिस को इत्तला 12 अक्टूबर की शाम 5 बजे दी गई। लगभग 17 घंटे तक शव को छुपाकर रखा गया। शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो हिम्मत नहीं जुटी। उसके बाद सारे सबूत मिटाए गए और फिर प्लानिंग की गई खुदकुशी की और फिर प्रियंका ने खुदकुशी की कहानी गढ़ी। जिस कमरे में हत्या के बाद लाश को छुपाया गया था, उस कमरे में प्रियंका ने ताला लगा दिया था, जबकि मौकाए वारदात पर पहुंचने वाला पहला शख्स भी प्रियंका का भाई ही था। यानी कत्ल की साजिश से या तो वो वाकिफ था या हो सकता है कि वो भी साजिश में शामिल रहा हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आगरा से न्यूज 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। चोर पुलिस की तो तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन अब जिस खबर की बात हम करने जा रहे हैं उसमें पुलिस वर्सेस पुलिस है, लेकिन एक असली पुलिस और दूसरा फर्जी आईपीएस। मथुरा पुलिस के एक थानेदार को एक आईपीएस का कॉल आता है। कॉल करने वाला खुद को आईजी क्राइम बताता है। थानेदार भी साहब को सलाम ठोकने लगते हैं, लेकिन एक खबर असली आईपीएस यानी एसएसपी तक पहुंचती है तो फिर शुरू होता है सर्च ऑपरेशन, और इसी दौरान होता है एक एनकाउंटर, उसी फर्जी आईपीएस का एनकाउंटर जिसे थानेदार एक दिन पहले तक सलाम ठोक रहे थे। फर्जी आईपीएस का असली एनकाउंटर, नकली वर्सेस असली, पुलिस वर्सेस पुलिस। पुलिस को भी अपने काम के दौरान क्या क्या नहीं देखना पड़ता, अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। जिस शख्स के पैर पर पुलिस ने गोली मारी है, ठीक एक दिन पहले तक थानेदार इसी शख्स को सलाम ठोक रहा था, जी सर कर रहा था, लेकिन सच सामने आया तो बंदूकें उठ गईं, गोलियां चल गईं। जो आईएएस और आईपीएस बनकर पुलिस अधिकारियों पर रौब घाटा करता था, साथ ही जो आरोपी परिवार हुआ करता था उनसे संपर्क साधकर उनका विवेचना के दौरान नाम निकलवाने के दौरान के लिए मोटी रकम वसूल किया करता था। फिलहाल पुलिस ने भरतपुर के रहने वाले राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से सुभाष कुंडल नाम के आईएएस के विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं, तो वहीं आईपीएस के भी विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। मथुरा में एक फर्जी आईपीएस पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वो आईपीएस ऑफिसर बनकर लोगों पर धौंस जमाता था और ठगी की वारदात को अंजाम देता था। इस बीच पुलिस से जब उसका आमना सामना हुआ तो मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। थाना उद्योग नगर क्षेत्र का रहने वाला एक शातिर अपराधी राधेश्याम, जिसपे दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री शीटर है और एक अंतर्राज्यीय बदमाश है, जिसके ऊपर धोखाधड़ी, डकैती, गैंगस्टर इत्यादि तमाम मामले इस पर दर्ज हैं। फर्जी आईपीएस बनकर ठगी करने वाले शख्स का नाम राधेश्याम उर्फ सुभाष कुंतल है। राधेश्याम पर कई मुकदमे दर्ज हैं। वो शातिर किस्म का अपराधी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पिछले कुछ वक्त से एक शख्स आईपीएस बनकर लोगों को धमका रहा है, अवैध वसूली, एफआईआर की धमकी देना, ठगी जैसे कारनामों को अंजाम दे रहा है। उससे परेशान होकर पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस शिद्दत से जांच में जुट गई। पुलिस ने जब फर्जी आईपीएस की लोकेशन ट्रेस की तो उसका ठिकाना मथुरा के आसपास ही मिला, लेकिन घेराबंदी के दौरान इस शातिर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में फर्जी आईपीएस को असली पुलिस की गोली पैर पर जा लगी। आज मगोरा पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। ये थाना फरा क्षेत्र से एक चौथ वसूली और धोखाधड़ी के मामले में वांछित भी चल रहा था और इसको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। दरअसल इस शातिर बदमाश ने चंद दिन पहले एक थानेदार से खुद को आईजी क्राइम बताते हुए बात की थी और एक तेल माफिया से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इतना ही नहीं, फर्जी आईपीएस ने थानेदार को जमकर फटकार भी लगाई, लेकिन जब ये खबर असली आईपीएस यानी एसएसपी मथुरा को लगी तो शातिर को फौरन ढूंढ निकाला गया। एनकाउंटर में घायल फर्जी आईपीएस राजस्थान का रहने वाला है।
और मथुरा के आसपास तमाम अपराधों को अंजाम दे चुका था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सिद्धार्थनगर में दो दिन पहले एक बुजुर्ग दादी की जमीन में दफन लाश मिली थी, जबकि लोग उन्हें गुमशुदा मान रहे थे। लाश मिलते ही थ्योरी बदल गई। सवाल यह था कि इतनी बुजुर्ग महिला की हत्या किसने और क्यों की। जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि उन कातिलों की उम्र 13 और 16 साल थी। बाली उम्र, इश्क और मर्डर। तेरह साल की उम्र, दादी का कत्ल। सिद्धार्थनगर पुलिस ने कत्ल का ऐसा खुलासा किया कि जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसके होश उड़ गए। चंद दिन पहले सिद्धार्थनगर में एक दादी की जमीन में दफन लाश मिली थी। पुलिस तभी से इस केस की पड़ताल में जुटी हुई थी। सच सामने आया तो पता चला कि 13 साल की पोती और उसके नाबालिग प्रेमी ने ही दादी का कत्ल किया था। घटना सर कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग तो बाहर थे। हम लोग को मालूम हुआ 19-20 रात को ये काम हुआ। हम लोग को सुबह पता चला तो रात को बैठ गए। 21 तारीख को सुबह आ गए, थाने में अप्लाई भी कर दिए। थाने में क्या एप्लीकेशन दिया था? गुमशुदा की सर। सब सर आज मिला जो है 24 तारीख को सुबह करीबन 8 बजे। मंगलवार को चरवाहों ने जमीन में आधी गली लाश देखकर शोर मचाया और पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि दादी की हत्या सामान्य नहीं बल्कि मर्डर है। अब सवाल था कि एक बुजुर्ग महिला की जान का दुश्मन कौन हो सकता है। बांसी पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसका नाम लवकुश है और साथ में दो बाल अपचारी भी है। विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। दरअसल जिस महिला की हत्या की गई, उसकी 13 साल की पोती का एक नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 20 अक्टूबर की रात को लड़की का 16 साल का प्रेमी उससे मिलने पहुंचा था। इसी दौरान दादी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। दादी की नाराजगी जताने के बाद तीनों ने मिलकर उन्हें जमीन पर पटक दिया और गला दबाकर मार डाला। यानी महज 13 साल की लड़की ने, जिसे दुनियादारी की अब तक जरा भी समझ नहीं थी, और उसका 16 साल का बॉयफ्रेंड जो अभी बालिग भी नहीं हुआ, दोनों ने कत्ल को अंजाम दे डाला। फिर लड़की ने पापा और चाचा को कॉल कर खबर दी कि दादी लापता हैं। पोस्टर छपवाए गए, लेकिन दादी मिली तो जमीन में दफन। पुलिस ने जमीन में दफन लाश को बरामद कर लिया है और जांच के आधार पर नाबालिग पोती और उसके प्रेमी को बाल सुधार गृह भेजा है। वहीं तीसरे नाबालिग आरोपी को जेल भेजा गया है। लेकिन हर कोई इस बात से हैरान है कि इस उम्र में दोनों के अंदर कत्ल की क्रूरता कहां से आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।